नहीं होगी पैसों के अभाव में प्रतिभाएं कोचिंग से वंचित। जी हाँ बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री निशुल्क अनुप्रति योजना। बच्चों, अगर आप नीट जेई की कोचिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अपने सपने को पूरा करना चाह रहे हैं, तो ये योजना आपके लिए है। कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, तो आप चाहे जनरल EWS, OBC, SC, ST किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, परंतु आपके पेरेंट की जो सालाना सैलरी है अगर वो 8 लाख रुपए से कम है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो बच्चों, मुख्यमंत्री अनुप्रति निशुल्क योजना का जो फर्स्ट फेज है, उसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और उसकी अंतिम तिथि जो है वो 20 अप्रैल है। तो कौन कौन से बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं? तो बच्चों, जिन बच्चों के पास 10th और 12th की मार्कशीट है, क्योंकि 10th और 12th बोर्ड के मार्क्स या परसेंटेज के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो अगर आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट है, अर्थात अगर आप इस बार 10th और 12th अपीयरिंग स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि इस बार जिन बच्चों ने 10th और 12th बोर्ड का एग्जाम दिया है, वो उनके पास मार्कशीट नहीं है, उनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वो बच्चे सेकंड फेज में अप्लाई कर सकते हैं, जो मई एंड और जून में फॉर्म इसके निकलने वाले हैं। पर अभी जिन बच्चों के पास 10th और 12th की मार्कशीट है, वो सभी बच्चे इस योजना में फॉर्म फिल कर सकते हैं और इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10th की मार्कशीट है, आपने 11th पढ़ ली है, तो 12th की कोचिंग के लिए भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास 12th की मार्कशीट है, आप एक ड्रॉप ले चुके हैं, पर दोबारा आप नीट और जेई की कोचिंग करना चाहते हैं, तब भी आप इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, 20 अप्रैल से पहले पहले जल्दी ही आपको ई मित्रा पर जाकर आपको इस योजना के तहत अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। और उत्कर्ष क्लासेस इस योजना के तहत एक सूचीबद्ध संस्थान है, तो 20 अप्रैल से पहले पहले ई मित्रा पर जाकर उत्कर्ष क्लासेस का चयन कर आप नीट और जेई की कोचिंग के अपने सपने को, डॉक्टर या इंजीनियर बनने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।